नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में किसान आंदोलन हुंकार भर रहा है। 9 महीने से ज्यादा चल रहा यह आंदोलन अभी खत्म होता भी नहीं दिख रहा। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से की जा रही कोशिश भी सवालों के कटघरे में खड़ी है, क्योंकि देश का अन्नदाता इतने दिनों से बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर बैठा है, लेकिन अब तक बीच का रास्ता नहीं निकल पाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इन सब के बीच किसान भी अपनी मांग पर अडिग है और आगे देश भर में किसान आंदोलन की आंधी को बढ़ाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी कड़ी में इस आंदोलन की आंच अब बिहार में भी आने की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत जल्द ही बिहार की धरती पर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार राकेश टिकैत ने माता सीता की धरती सीतामढ़ी आने के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जिसकी पुष्टि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर ने की है। इस बाबत उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत ने खुद ही यह बात कही है कि वो 27 तारीख को भारत बंद के बाद सीतामढ़ी, बापू के सत्याग्रह की धरती चंपारण और स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती पालीगंज और बिहटा के अतिरिक्त बिहार के अन्य भागों का कार्यक्रम तय करेंगे। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक किसान महापंचायत एक के बाद एक गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अपने आश्रम में टिकैत ने तीनों कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी C2+50 पर कानून बनाने, बिजली बिल 2020 वापस लेने सहित बिहार के किसानों की अलग अलग समस्याओं पर पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गए बिहार के किसान नेताओं के साथ विशेष बैठक की। बैठक में डॉक्टर आनंद किशोर ने इस बाबत कहा कि राम की धरती यूपी से किसान आंदोलन का आगाज हुआ है, सीता की धरती से आंदोलन का बिहार में विस्तार भी अब होना ही चाहिए, जिसके बाद ही टिकैत ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो इन दिनों किसान आंदोलन का आगाज उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां पर अगले साल चुनाव का आयोजन भी होने वाला है। जानकारों की माने तो इसका प्रभाव अगले साल के चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्माण में मुजफ्फरनगर का किरदार बेहद ही अहम माना जाता रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सियासी तस्वीर इसी जगह से बदली थी, जिसके बाद अब किसानों के आंदोलन से एक बार फिर से यह इलाका चर्चा का विषय बन गया है। किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने भाजपा की चिंता भी बढ़ा दी है, जिसके बाद किसान नेताओं ने प्रदेश के और देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे आयोजन के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद अब सवाल हर तरफ यही गूंज रहा है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसानों का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में क्या नया मोड़ ला देगा। हालांकि वेस्ट यूपी के माहौल में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को दिल्ली सीमा पर शुरू हुए किसान आंदोलन की शाखाएं यूपी में अपना विस्तार बढ़ा रही है, जिसके बाद बिहार में राकेश टिकैत के आने से किसान आंदोलन आगे कौन सा रुख लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किसान आंदोलन आपके हिसाब से सही है या नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।